दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आ चुकी है। इस प्लेइंग 11 में इतने खतरनाक खिलाड़ी शामिल हैं जो अकेले अपने दम पर किसी भी मैच को जिता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तीसरे टेस्ट मैच में काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया। वहीं पिछले जो दो टेस्ट मैचेस में खराब परफॉर्मेंस किए हैं उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया हुआ है। दोस्तों अगर साफ शब्दों में कहें तो केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर किया गया। केएल राहुल इस चीज से काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गए। इसके बाद केएल राहुल ने इसको लेकर बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। इसके बाद पूरा क्रिकेट जगत काफी ही ज्यादा हैरान हो गया। और वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने भी इस पर टिप्पणी किया हुआ है। रोहित शर्मा ने राहुल के इस जवाब पर करारा प्रहार दिया है। क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक भारतीय टीम को तीसरा टेस्ट मैच जिता सकता है। और वहीं दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा में से आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन दिनों टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेल रही है और इन टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया ने अभी तक काफी ही शानदार प्रदर्शन किया। टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ दोनों टेस्ट मैचेस भी जीत लिए हुए हैं। इसके बाद अब विश्व भर में लाइमलाइट बन चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम से काफी शर्मनाक हार हारी है। दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि भारतीय टीम कितनी खतरनाक टीम है, इस टीम से दुनिया भर के सभी खिलाड़ी डरते हैं। भारतीय टीम ने अपना टेस्ट मैचेस में अब एक अलग दबदबा बना रखा है। अब जिसे देखो वही भारतीय टीम के टेस्ट मैचेस के और टेस्ट प्लेयर्स की बात कर रहा है। दोस्तों ऐसे में अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तीसरा टेस्ट मैच मध्य प्रदेश के इंदौर के स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों ही टीमें काफी जोरों शोरों से प्रैक्टिस भी कर रही है। ये तीसरा टेस्ट मैच जो भी जीतेगा वो डायरेक्ट WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब ऐसे में टीम इंडिया अपने ऊपर इसके लिए खुद पर ज्यादा ध्यान दे रही है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में भी कुछ चेंजेस कर दिए हुए हैं। सुबह कैप्टन रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने कई चीजों का बहुत बड़ा खुलासा किया। रोहित शर्मा ने कहा कि हमने तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 बदल दी हुई है। रोहित शर्मा ने कहा कि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल नहीं रहेंगे, इनकी जगह दो खतरनाक खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। रोहित शर्मा ने कहा कि केएल राहुल की जगह जो टीम में शामिल होंगे वो होंगे शुभमन गिल, वहीं मोहम्मद सिराज की जगह जो टीम में शामिल होंगे वो होंगे उमरान मलिक। रोहित शर्मा ने बताया कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए इन दोनों खिलाड़ियों की टीम में शामिल कर लिया जाएगा, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर कर दिया जाएगा। और रोहित शर्मा ने ये भी कहा कि बाकी और टीमें एज यूजुअल ही रहेंगी और हम टीम में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों जब केएल राहुल को बाहर होने की खबर मिली तो केएल राहुल इस चीज से काफी ही ज्यादा निराश हो गए। उन्होंने भारतीय टीम के प्रति एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा फॉर्म काफी ही ज्यादा खराब है, अब हम इस पर काम करने वाले हैं, अंदर जो फियर बैठा हुआ है अब हम उसको दूर करेंगे और टीम इंडिया में एक बार फिर से कमबैक मारेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केएल राहुल के अंदर इस चीज की निराशा तो होगी ही, और वही दूसरी तरफ जब शुभमन गिल को पता चलता है कि वो टीम में शामिल हुए हैं तो वो इस चीज से काफी ही ज्यादा खुश हो जाते हैं।